क्यों, हम लोग यहाँ सब राजपूत से तो हमारे यहाँ कोई चोरियाँ नहीं होती कुछ नहीं, तो हमारे जैसे यहाँ पर कोई लॉक्स कभी गैस फोड़ दे लॉक में लगाने जरूरत नहीं है। अच्छा। तो मतलब कोई चोरी करके भी नहीं कर पाएगा। बाकी हम हमारी जैसे खाने की सुविधा है या रहने की सुविधा है उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हर चीज। तो मेनली हम यही सोचते हैं कि लंदन से होंगे या फिर यूएस से, कनाडा से, कनाडा यूएसए से नहीं बल्कि इटली और मुझे फ्रांस से जो ज्यादा लोग। जी जी जी। यहाँ पर ना तो कोई ट्रैफिक सिग्नल्स है, ना ज्यादा इधर कोई भीड़ भाड़ है और सुकून है, तो वो इसकी ज्यादा आते हैं। जैसे मैं बादाम कुर्ता पहनता हूँ या धोती कुर्ता पहनता हूँ, हम उसी से खुश हैं। हमें मतलब ब्रांडेड को किसी को बताना ही नहीं और शौक ही नहीं हुए, ये भी नया कुछ लोगों की ब्रांडेड है क्या मतलब। फिर वही फिर ऑफिस घूम फिर आगे, यहाँ का जो रहन सहन है ना इतना महंगा नहीं है, तो महंगा नहीं होने के कारण लोग संतुष्ट हैं। और जिस कला को रोजगार मिलता रहे ना वो कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरता कला। हाँ, तो मरती तब है जब आप उसमें दिलचस्पी लेना तो बंद कर दोगे। जो वो मोर आते हैं तो एम्बियंस मॉर्निंग का इतना अच्छा हो जाता है, सुंदर हो जाता है, लोगों को मतलब अपने आस्थाने करवाते हैं। तो बच्चों ने कभी चिड़ियाघरों में वैसे ही उन्होंने देखा, अभी नेचर कभी देखा ही नहीं है, तो वो एक अच्छा है मतलब। वो ये ना बड़े बड़े शहरों में ये जो ध्वनि प्रदूषण, लाइट प्रदूषण पूरा इतना हो गया कि आप नेत्र से पूरे दूर ही हो गए। सत श्री अकाल, मैं रुपिंदर, तुसी देख रहे हो अनकट। अज असी राजस्थान स्टोरीज का नव एपीसोड लैके आए हैं, तो असी बैठे हैं जैसलमेर के नज़दीक है दमोदरा। थोड़े जे समय पहला भी मेरा इतने आना होया सी, तो असी रात का खाना खाधा सी, इतने बहुत शानदार एक्सपीरियंस सीगा। तो ये जिहड़ी जगह है ये डेजर्ट के बिच कैंप बने हुए ने, मतलब जिन्होंने बनाए हुए ने उन्होंने नाम है पृथ्वीराज जी, तो उन्होंने कोल 30 एकड़ के करीब जमीन सी, तो उस जगह पर इन्होंने ये इन्नी सोहनी जिहड़ी थां है वह बनाई हुई है। तो जो मैं पहला आई सी मेरा बड़ा मन सीगा कि जो मैं ये सैक्शन करूँगी तो मैं इन्होंने थान तो इन्होंने मुलाकात जी जरूर करूँगी, क्योंकि बहुत बार असी राजस्थान आने हैं तो जोड़े कैंप तुम देखते होंगे हो आप देखते कि बहुत ज़्यादा साफ भी नहीं होंगे, तो असं इनसिक्योर भी महसूस करते होंगे उन्होंने थावान पर। तो मैं बहुत ही ज़्यादा गल्ला नहीं करूँगी क्योंकि इंटरव्यू असी गल करेंगे, तो हमेशा की तरह मैं तुम्हें दस दें कि इंटरव्यू है जी हिंदी ही होंगी है क्योंकि इन्हों पंजाबी नहीं आती, तो मैं मारवाड़ी नहीं आती, तो इसलिए जिन्हें भी गल् करेंगे मैं जरूर कोशिश करूँगी कि असी थानू तो वो चीज़ा पंजाबी भी बाद चो दस सकी, तो उन्होंने मैं जी आया कह रही। सत श्री अकाल, कैसे हैं? थैंक यू। उसके बाद में क्या कहते हैं? गणी खंबा, गणी खंबा। जब हम आपको खंबा गणी तो रिपीट बोलते हैं गणी खंबा। तो खंबा गणी का मतलब क्या होता है? खमा मींस द रिस्पेक्ट, जैसे आप आपको बोलते भाई नमस्ते। खमा घनी, घनी मतलब बहुत सारी। अच्छा। तो दोबारा बोलते बड़े घनी खमा मतलब उल्टा, तो बहुत सारी धन्यवाद आपको। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैंने जोधपुर में मैं रही हूँ ना पढ़ने के लिए, तो वहाँ की जो मारवाड़ी है मुझे समझ में आती थी, मेरे दोस्त जो बातें करते थे वो मुझे 2-3 महीने ही लगे थे उस चीज को समझ। तो यहाँ मतलब ज्यादा डिस्टेंस तो नहीं है, 250 किलोमीटर का ही होगा। हाँ, 250 किलोमीटर। तो आपकी मुझे भाषा बिल्कुल ही नहीं समझ में आई जब आप अपने भाई साहब से बात कर रहे थे यहाँ आसपास, तो मुझे एक भी शब्द मतलब नहीं पकड़ में नहीं आ रहा था। एक्चुअली हमारा जो जैसलमेर बाड़मेर ये भाषा ऑलमोस्ट एक जैसी है, और जोधपुर तो जो मारवाड़ी कहते हैं ना वो रियल मारवाड़ी जोधपुर वाली है। अच्छा। तो उसमें कम कट है जो वो बोलते हैं, वो थोड़ा सा हिंदी का थोड़ा सा उसमें साउंड होता है, समझने लायक होता है, और हमारा थोड़ा सा उससे हटके है। जैसे आप बोलते हैं जोधपुर में आप कटे जाओ। हाँ जी। तो मतलब सबको मालूम पड़ता है कटे कहाँ जा रहे हो, और हम राजस्थान में जैसे बोलते हैं कि आप केत जा रहे हो। अच्छा। कटे और केत में फर्क है, सब चेंज है।
तो ये दामोदरा जो है बाड़मेर में पड़ता है? नहीं, ये हमारा जैसलमेर जिला का है मारती, बट बाड़मेर और जैसलमेर दोनों सीमावर्ती जिले हैं, और दोनों की यहाँ से बाड़मेर यहाँ से 150 किलोमीटर है। हाँ जी। तो हमारे जो ऑलमोस्ट भाषा रहन सहन सभी जैसी। अच्छा, तो एक मैं जो सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी ना कि ये आपने कब बनाई थी जगह? इसको हो गए ऑलमोस्ट 15 साल। अच्छा। 15 साल हो गए, क्योंकि मैं टूरिज्म से ऑलमोस्ट मुझे 32 साल हो गए। तो पहले जब मैं होटल वैसा मैं काम करता था जैसलमेर में, तो कभी कभार मेरे दोस्त आते थे तो हम लोग कैंपिंग के लिए समझ आते थे वहाँ, तो फिर उनको कभी कभी रात को वापस आना पड़ता था, क्योंकि सम में एक्चुअली अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर कभी कभार इतना ना थोड़ा लाइट पोल्यूशन ज्यादा हो जाती थी, थोड़ा ध्वनि प्रदूषण हो जाता था, तो उसकी वजह से फिर वो नहीं यार वापस जैसलमेर चलते हैं। पर फिर मैंने सोचा थोड़ा मुझे थोड़ा सा फील होता था कि आज इनको एक्सपीरियंस करना था और ये नहीं कर पाए। फिर मैंने ये जो जमीन है हमारी पूर्व जो की है, और फिर मैंने यहाँ पर बनाने की प्रोजेक्ट किया। अच्छा। तो आज हमारे जैसे छोटी प्रॉपर्टी है, मतलब ये ना तो कोई रिजोर्ट है ना कोई होटल है, ये एक कैंप है। तो कैंप में जितना आप नेचुरल रखो जगह को, नेचर से प्रकृति से जितना जुड़ोगे वैसा भी मॉडल रखा। तो ये कितनी जमीन में, 30 एकड़ में? हाँ, अपने 30 एकड़ में, टोटल अपने 30 एकड़ जमीन है, पर इसमें जो ये है 2 एकड़ में। अच्छा, तो आपकी फैमिली के बारे में मुझे कुछ बताएं, क्योंकि मतलब मुझे तो बहुत इच्छा होती है कि आप कैसे व्यवहार से हैं ना। एक्चुअली हम लोग राजपूत फैमिली से हैं, और मेरे फादर पहले आर्मी में थे, और मैं एक भाई हूँ, फिर हमारे कजन्स ऐसे, मतलब फैमिली बड़ी है, बट टूरिज्म में मैं ही था। अच्छा। तो मैं बिगिनिंग से अलग था, मेरे फादर तो वही सोचते कि आप आर्मी ज्वाइन करो, पर मुझे कुछ अलग था। तो फिर मैं टूरिज्म में बिगिनिंग ज्वाइन किया, फिर मैं ट्रैवल भी खूब किया, मतलब भारत में बाहर भी, फिर घूमने से मतलब ये आदमी महसूस होता कि आप क्या चीज कर सकते हो, फिर मैंने ये सारी चीज़ चालू किया। आज जो अपने क्या मैं जो जितने भी काम करते हैं वो सब मेरे गांव से हैं, तो वो उनको भी मेरा रोजगार देने का बड़ा उद्देश्य। तो आज मैं मन में राजीव खुश हो रहा हूँ कि आज मैं अपने ग्रामीण के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो एक बात जैसे आपने मुझे पिछली बार में बताया था ना कि जब आप घूमने जाते थे तो बहुत सी चीजें आप मिस करते थे, तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि साफ सफाई है ना। आजकल भी हम लोग होटल में जाते हैं तो सबसे बड़ा यही होता है कि भी साफ जगह हो और अच्छी और सेफ जगह हो, है ना। तो मैंने भी आज एक एक्सपीरियंस किया, मैंने आपको बताया कि मुझे एक कैंप में जाना पड़ा, तो मैं देख रही थी लोग रह कैसे लेते हैं ऐसी जगह पे, है ना। एक्चुअली हमारा तो जैसलमेर बाड़ इस एरिया में ना, मतलब रास्ते में पूरा ही, मतलब यहाँ पर सोलो ट्रैवलर्स जैसे पहले आती थी, तो वो सफारी 2 नाइट के लिए, 3 नाइट के लिए, 4 नाइट के लिए जो डजन में आती थी, पूरी टोटली सुरक्षित, टोटली सेफ, ऐसा कुछ नहीं है कि भी कभी कुछ हुआ, ऐसा कांड हुआ कुछ नहीं हुआ। तो और यहाँ पर लोग अगर लेडीज भी अगर पूरी अपने गहनों के साथ में रात को अगर अकेले चले जाए, टोटली सेफ। अच्छा। क्यों, हम लोग यहाँ सब राजपूत से हैं, तो हमारे यहाँ कोई चोरियाँ नहीं होती कुछ नहीं, तो हमारे जैसे यहाँ पर कोई लोग कभी गैस बोलते हैं, लोग मेरा लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो मतलब कोई चोरी करके भी नहीं कर पाएगा यहाँ पर, तो ऐसा तो नहीं होता कि भाई यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, अब कोई एक दो घटना हो जाती होगी और गवर्नमेंट या पुलिस उसको दबा लेती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर तारीख में मीडिया इतनी सक्रिय है कि पुलिस और प्रशासन कोई भी चाहे मीडिया अपना उसको हमेशा हाईलाइट करेगी, ऐसा कभी नहीं हुआ है यहाँ पर। तो जब आपने इसको शुरू किया था है ना, तो ये मुझे लग रहा है काफी महंगा प्रोजेक्ट है। बहुत क्योंकि एक एक तो शहर से दूर है, और जैसे आप यहाँ रुके हो, अब आपने एक सुई मांग ली, तो जैसे हम यहाँ प्रॉपर्टी रन करें तो अब सुई हम आपको मना नहीं करेंगे। हाँ, जो चीज चाहिए वो आपको फैसिलिटी देनी पड़ेगी, हम सुई करेगी। अब वो सुई लेने के लिए हमें सिटी जाना पड़ेगा, यहाँ से जाएगी तो वो हमें सी 2000 रुपये पड़ती है। अच्छा। अब मैं आपको बोलूंगा सुई 2000, तो मतलब ऐसे छिपे खर्चे बहुत होते हैं। और फिर एक चीज आपने स्ट्रक्चर बना दिया, होटल है जो भी है, तो उसमें एक टाइम का खर्चा लगता है। हाँ। पर हमें हर 6 महीने में खोल के
और वापिस उसको मतलब बिखेर के वापिस जोड़ना पड़ता है, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। एक महीना लगता है हमें खोलने में और 2 महीने लगता है वापिस को सेटअप करने में। अच्छा। तो वो थोड़ा सा बड़ा चैलेंज होता है, उसमें बहुत सी चीजें टूट जाती है, बहुत सी चीजें सेम फिटिंग नहीं आती है, तो वो है। पर आफ्टर ऑल मतलब खर्चा बहुत महंगा बहुत होता है। तो जैसे देखा था कि बैग जो है ना वो उसमें फिर तो वहाँ पे सीजन नहीं होता, तो यहाँ पे ऐसे होता है की गर्मी बहुत होता है, लोग गर्मी में निकलने से कतराते हैं, थोड़े मौसम से। तो कितने महीने का सस्ता सीजन होता है? अब हमारा अप्रैल से लेकर सितंबर तक बंद रहते हैं। उससे क्या होता है कि गर्मी बढ़ पड़ी, फिर धूल भरी आंधियां, फिर गर्मी में यहाँ मक्खी मच्छर बग जाते हैं, फिर एक रेगिस्तान रह रहे हैं उसमें फिर वो ज्यादा ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर वो मतलब एक थोड़ा थोड़ा रुकने के लिए आराम आराम देने लगता है, उसके लिए हमें बंद करना पड़ता। तो 4-5 महीने अगर चीज बंद रहती है ना, तो उसका जो पूरे साल का फिर खर्चा है कि ना तो आप एम्प्लॉइज को छुट्टी कर सकते हो, भी आपसे 3 महीने काम देंगे, तो ना ही तो आप इस जगह को बिल्कुल खाली कर सकते हैं, देख लेते के लिए भी आप चाहिए होते हैं। एक्चुअली आपने सही कहा, एक्चुअली क्या कि हमारा जो महंगा लगता है ऑनलाइन या कभी महंगी है, क्योंकि हमें जो खर्चा है ना वो पूरा रेवेन्यू पूरे साल का करना पड़ता है, उसके लिए थोड़े से कोशिश ज्यादा आता है, क्योंकि मेहनत करते हैं तो 6 महीने में भी मेहनत ऑफलाइन में करते हैं, 3-2 महीना वो भी काउंट इसी में होगा, तो इसलिए थोड़ा सा महंगा लगता है, कभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी उसकी वजह से। बाकी हम हमारी जैसे खाने में भी जाया है या आने में भी जाया है, उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे हर चीज से, क्योंकि एक आप ये चीजें बार बार नहीं करवाओ, तो जब आप अपने फैमिली के साथ आए तो कहीं आप अपने याद करते हैं, और उसमें मेन जो क्लीनिंग का आया है या नहीं का आया है, वो तो यहाँ पे लोग तो कैसे क्या चीज रखा करते हैं, जैसे हमें तो ऐसे होता है कि जहाँ पे फिर रुकेंगे कुछ हेरिटेज ट्रेडिशन आ गया है ना, बिल्डिंग वैसी होनी चाहिए, ये बात है कि अभी टिपिकल रूम जो होटल है उनसे लोग कतराने लगे हैं ना, उनको हो जाता है कि पत्थर की जगह पे आप आना हो जाता है ज्यादा कमरे में, तो कौन सी चीज ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग ये कैमिंग में? आज हमारा जो भारत का जो डोमेस्टिक टूरिज्म है ना वो इतना बदल गया है कि लोगों को एक्सपीरियंस ही नहीं आना, जैसे पहले था ना कि 5-star होटल रुकना है, स्विमिंग पूल वहाँ चीज नहीं, आज इंसान वो सबको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल शांति की जगह लगानी चाहिए, शांति कि आज अपन फिजिकली अपन इतना टाइट नहीं है, मेंटली टाइट है, क्योंकि टेक्निकल वजह से ये मोबाइल वो उनको शांति चाहिए, तो और फिर एक्सपीरियंस से चैन है, एक्सपीरियंस से थोड़ा नया टाइम है, एक अलग रुकने का होगा, तो लोग वही है टेंशन से, और पहले जैसे ना होटलों में सिटी में रुकना नहीं पसंद करते, फिर यहाँ के वो स्टार्स और सनराइज और मूनराइज सनसेट और मून से रही मतलब वो लोग बहुत बात, क्योंकि आधा आधा अपने तो सिटी शहरों में नहीं रहते वो अगर 15 लोग घूम रहे हैं तो उसमें से 5-7 होते हैं, तो आज मैंने जो जैसलमेर का किला है हम लोग वो कवर कर रहे थे, और मैंने कितने लोगों से बात की, यहाँ तक कि फ्रांस से लोग आए हुए हैं,
तो मेनली हम यही सोचते हैं कि लंदन से होंगे या फिर यूएस से, कनाडा से, कनाडा यूएसए से नहीं बल्कि इटली और मुझे फ्रांस से जो ज्यादा लोग हैं। जी जी जी। तो क्या है ऐसा? एक्चुअली जैसे राजस्थान एक अपना एक अच्छा मुकाम माना जाता है, यहाँ पर सब चीजें इतिहास का जो स्टिकर है महाराजाओं का, जो पैलेसेस बने हुए हैं, जो किले बने हुए हैं, वैसे तो अपन तो नई जनरेशन नहीं बना सकते, पर उन्होंने जो बनाए हुए ना उतने सुंदर हैं, उसकी जो सुंदरगढ़ को देखने के लिए लोग आते हैं कि ऐसे कैसे बनाया। और फिर जैसे ये हमारा जैसलमेर है, ये तो एक जिला नहीं छोटा सा गांव है, यहाँ पर ना तो कोई ट्रैफिक सिग्नल्स है, ना ज्यादा इधर कोई भीड़ भाड़ है और सुकून है, तो वो इसके लिए ज्यादा आते हैं। एक चीज और मुझे मतलब बहुत इच्छा होती है जब भी मैं किसी को मिलती हूँ, है ना, तो ये तो नहीं मैं पूछूंगी कि भाई आपकी दौलत कितनी है है ना, वो तो चलो बताने वाली बातें नहीं होती, पर फिर भी जितने लोगों से मैं अभी पिछले 5 दिन में मिली हूँ ना, तो मुझे लगता है कि भाई कोई भी आदमी है जो है ना वो करोड़ों में है जिनसे भी मैं मिली, और उनका पहरावा मतलब इतना सिंपल, मैंने किसी को भी बहुत से ब्रांडेड कपड़े पहने हुए नहीं देखा है ना। तो मैंने एक जो पहले दिन पहुंच कर एक इंटरव्यू की तो मैं हैरान रह गई कि मुझे जो उनकी किसी ने नेटवर्थ जो बताई है ना, तो वो खुद अपनी जुबान से कह रहे हैं कि मैंने कभी 300 से ज्यादा बेल्ट नहीं लगाई है ना। तो ये सिंपल इतना रहना और सादे तरीके से, और वो जो चीजें आपके पास है उसका कुछ शो ऑफ नहीं करना, ये कैसे है मतलब ये चीज़ नहीं, तो आज 50,000 भी हम कमाए हमें होता है कि 10,000 का बैग होना चाहिए। जी जी। अब इस हिसाब से जैसलमेर में तो आपको वास्तव में ये बताऊं कि ना तो यहाँ पर प्रॉपर इतनी शॉपिंग एरिया है, ना यहाँ पर बड़ा कुछ सिनेमा है, ना यहाँ पर कोई कोई बार या ऐसा कुछ है, पर फिर भी लोग खुश है यहाँ पर, ना कोई ब्रांडेड यहाँ पर दुकान है और फास्ट फूड का कुछ नहीं कुछ है ही नहीं कुछ यहाँ पर, ठीक है, और फिर भी जो लोगों जो जो रहन सहन है ना बिल्कुल सिंपल है, तो और लोग जाते भी नहीं कि कुछ समय से ब्रांडेड पहनना चाहे, जैसे मैं बादाम कुर्ता पहन रहा हूँ या धोती कुर्ता पहनता हूँ, हम उसी से खुश है एकदम, हमें मतलब ब्रांडेड को किसी को बताना ही नहीं और शौक ही नहीं हुए, ये भी ना कुछ लोगों की ब्रांडेड है क्या मतलब, तो वो एक बड़ी चीज है। तो अभी तो जैसे फोन है ना वो सबको कनेक्ट कर रहा है, आप दुनिया भर में से किसी चीज किसी जगह को देख सकते हैं, लोग क्या पहनते हैं, क्या खा रहे हैं, क्या मतलब उनका है जो लाइफस्टाइल है ना, तो वो अभी आप लोग नहीं देखते मतलब उससे भी इच्छा नहीं होती कि भी लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यही अभी आदमी अगर सबसे ज्यादा अनसेटिस्फाई है, रीजन ही यही है कि वो ये कर रहा है मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी बात एकदम सही कहता हूँ, हाँ अगर मैं बड़े शहरों में रहता ना तो वहाँ के जो मॉल देखता या वहाँ लोगों को पहने पहनाव देखता तो मेरे मन में कुछ इच्छा होती, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तो ना इतने कोई मॉल है यहाँ पर कोई भी वो करने वाला, ना उधर कोई पहनते रहते, तो जो जैसे देखे रहे थे दूसरे उधर तभी तो खुद का भी चेंज होता है, सब एक जैसे ही है तो सब एक दूसरे में संतुष्ट है। और एक चीज और जैसे आपने अपने ट्रेडिशन को कल्चर को बहुत संभाला है ना, जो जब हम किले में जाते हैं तो वो बताते हैं इतने 100 साल पुरानी चीज है ना, ये बिल्डिंग इतने 100 साल पुरानी है, तो अभी आपके पास भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं ना, तो हर घर की ये हिस्ट्री है कि वो बताएंगे ये मेरे दादाजी का, ये उनके परदादाजी का, ऐसी चीजें पड़ी है उनके पास जी, है जी, जी। तो ये भी आपकी फैमिली से ही आपको सिखाते हैं कि नहीं भाई जो पूर्वजों की चीज है उसको नहीं फेंकना। हाँ जी, हाँ जी, ये हमारे पूर्वज ये सिखा गए क्योंकि ये चीजें बार बार नहीं बनेगी, तो उसको जो चीज स्वदेश करना है ना सो वैसे वैसे रखना है, और इनफैक्ट यहाँ पर अब हमारे कुछ लॉस है जैसलमेर में, जो वो अगर नया मकान बनाना चाहेंगे ना जो आगे का जो तो मेन प्रश्न है ना उसको पुराने जैसे ही बनाना है, अच्छा, नहीं तो म्युनिसिपल जो है ना आपको वो नहीं देगी परमिशन देगी तो वो पत्थर का बना हुआ है 5 साल बाद अगर जैसे अगर पानी रह जाता है तो वैसे पुराने जैसे हो जाता है, आठ तो जीवित है ना,
तो वही मैं देख रही थी, कला जो है जीवित ही है बिल्कुल। और जैसे अब मतलब जोधपुर में भी तो फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिल जाता है घरों में, है ना। तो यहाँ सबकी जो खिड़कियाँ एक जैसी हैं, सबके जो दरवाजे हैं एक जैसे हैं, जो बिल्डिंग का बाहर से स्ट्रक्चर है, तो वो सब गवर्नमेंट की तरफ से होता है या आपको ऐसे ही बनाना है? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से भी उन्होंने पूरा सर्वे करा कि भी नहीं, क्या होता है कि सुंदरीकरण ऐसा है ना, उसको वैसे रखो। तो और फिर जो हमारे जो यहाँ के जो कलाकार है पत्थर के और ये जो लकड़ी के, वो सब एक जैसी है, तो लगभग वो उनसे मिलती जुलती कलाकारी करते हैं। ये पत्थर की ऐसी डिजाइन है, ऐसी नक्काशी की हुई है, तो दरवाजा भी ऐसा होना चाहिए, खिड़की भी ऐसी होना चाहिए, तो जो सब ऑलमोस्ट एक जैसी है। अब जैसे नई कॉलोनी कुछ बनी है, उनके जो मकान है सब पुराने जैसी है। तो एक चीज और, जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो आसपास जितना भी आप देखते हो, है ना, तो सभी लोगों ने अपनी जैसे हमारे पंजाब में कहते हैं कि एग्रीकल्चर की वजह से हमारी इनकम है, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा। तो एक तो मुझे लगता है कि पत्थर राजस्थान की इनकम का सोर्स है ना। तो दूसरा जो ये आप टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं ना, तो इसी में लाइफ मेंटेन हो जाती है। एक्चुअली वही फिर ऑफिस घूम फिर आगे, यहाँ का जो रहन सहन है ना इतना महंगा नहीं है, तो महंगा नहीं होने के कारण लोग संतुष्ट है। और फिर जैसे अब बारिश में एक साल में एक फसल ले लेते हैं, अगर अच्छी बारिश हो तो चने की या गेहूँ की, अगर अच्छी बारिश हो, नहीं तो हम ग्वार की और उसमें ले लेते हैं। और बारिश भी इतनी ज्यादा नहीं होती है और ना कम होती है, मतलब जो रहने सहन के लिए परफेक्ट हो जाती है, और फिर इतने खर्चे नहीं है, उसकी वजह से लोग संतुष्ट हैं। और एक मुझे जो सबसे बड़ा डिफरेंस लगा ना, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपके बच्चे भी हैं अभी, है ना। जी जी। तो अच्छे बिजनेस जो आप कर रहे हैं, अच्छी फैमिली से हैं बच्चे जी। तो जब मैं ना एक दिन परमीत से बात कर रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि भाई उनका इंटरेस्ट है कभी इन फ्यूचर माइग्रेट होने का, है ना जी। तो मैंने बताया कि आप ऐसे आईएलटीएस कर लो, तो उन्होंने बताया हमारे इंस्टीट्यूट ही नहीं है, आईएलटीएस इंस्टीट्यूट नहीं है, मतलब जोधपुर में रहते हैं जो इतनी बड़ी सिटी है ना जी, जी, जी। तो यहाँ पे बच्चों का इंटरेस्ट है बाहर जाने का, मतलब माइग्रेट होते हैं यहाँ? हाँ हाँ, होते ना। अभी कुछ 5-6 सालों में 7 सालों में अभी हमारे जैसे बच्चे हैं, वो उनको हम कोटा या बूंदी या आगे जो एजुकेशन बढ़ रही है, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, प्लस जो पेरेंट्स है वो भी जागरूक हो गए। अब जैसे हमारे हम लोग राजपूत हैं, अब हमारे पहले जो लड़कों को लिए तो बड़ा करते, लड़का सब कुछ बड़ा है, बच्चे के लिए ज्यादा नहीं करते थे, पर अब बदलाव हुआ है। अब बच्चियों को जैसे बच्चों को बढ़ा रहे हैं, वैसे बच्चियों को भी बढ़ा रहे हैं। लड़कियां बाहर जा रही है, कुछ डॉक्टर्स बनी है, कुछ वकील बनी है, कुछ मतलब अलग अलग जो अच्छी उनमें, तो पायलट बनी है, तो वो अब बढ़ावा हो रहा है, लोगों में जागरूकता हो रही है, क्योंकि आज तारीख में मीडिया इतनी होगी कि मतलब इंसान कहां पर भी कुछ चीज कर सकता है। और आप लोग वैसे फिर डिस्टर्ब नहीं होते कि हमारे बच्चे हमारी वो जगह छोड़ रहे हैं? क्योंकि आप तो वो लोग हैं जो आपके मतलब पूर्वजों की चीज भी संभाल के रखते हैं ना। वो तो मुझे जैसे मैं जब जोधपुर में रहती थी, मैं देखती थी कि हर घर पितरों को बहुत मानता है ना। तो उन दिनों में जब वो उनके वो दिन होते हैं, तो वो उन मतलब सारा उनका वो उन्हीं पे फोकस होता ही थी वो चीज। तो अब फिर आप लोग डिस्टर्ब नहीं होते इस चीज से? डिस्टर्ब का इसमें कुछ नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से आवाज चल रही है, जैसे आज हर चीज में बदलाव हुआ है, उस हिसाब से बच्चों को भी अब जो आगे बढ़ने का वो कर रहा है, तो उसको अपने रोकना नहीं चाहिए। हाँ, चलो संस्कृति एक है, जिस हिसाब से एक एक वो भी नहीं कि आप उसे एक लेवल होता है ना, उसको भी पार नहीं करना चाहिए, पर अपने व्यवस्था के हिसाब से, अपने शिक्षा के विभाग से या अपने करियर के हिसाब से अगर वो बढ़ रहा है, तो उनको बढ़ने दो, उसमें कोई दुराई नहीं है। उसमें संस्कृति कहाँ खत्म हुई? संस्कृति उसमें कुछ खत्म होती है, तो वो अपना दूसरे रास्ते पर जाए, ये रास्ता तो आज शिक्षा होगा, तो शिक्षा तो कुछ करेंगे, नाम रोशन करेंगे, तो वो बड़ी चीज है ना। जैसे आजकल लोग हमारे वहाँ बहुत मतलब इस चीज को लेकर सोचते हैं कि अपनी धरती छोड़ के आप लोग जा रहे हो ना, अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हो, तो वो चीज हमारे लोगों को आज मतलब अब इस सिचुएशन में बहुत डिस्टर्ब करती है, क्योंकि वहाँ पे माइग्रेशन बहुत। जी जी। तो जो एक और बात मेरे दिमाग में आती है कि आप होटल मैनेजमेंट में अभी हैं, तो
और क्या आप बिजनेस करते हैं, और क्या है आपका जो काम? अब काम तो एक्चुअली जैसे एग्रीकल्चर का भी है प्लस रियल एस्टेट का भी है, और ये मेन काम ये है। अब इसमें हमारे 9 महीने तो इसमें लग जाते हैं, फिर हमें 3 महीने लगता है, तो 3 महीने में कुछ टाइम तो फैमिली को देना पड़ता है प्लस जो दूसरे कुछ काम करते, तो मतलब ऑलमोस्ट जो 12 महीने का जो है ना वो सही है, 35 है। तो एक ये भी बड़ी मतलब अच्छी बात है कि जिससे भी आप बात करो वो कोई भी आदमी एक बिजनेस नहीं करता, वो दो दो तीन तीन बिजनेस कर रहे हैं ना। जी हाँ, मतलब ऐसा है कि एक हम बिजनेस तो चलो टूरिज्म का करना चाहे वो कर रहे, कोई बात नहीं, बट ये 6 महीने का ही है, 6 महीने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो साइड में मतलब जो भी हो या एग्रीकल्चर का हो या कुछ रियल एस्टेट का हो या कुछ माइनिंग का हो या छोटा, और इतना बड़ा शहर भी नहीं है कि आप दूसरे भी काम कर सकते हो, तो आखिर वही मतलब जो रहन सहने का जो सिस्टम है पूरे साल का वो ना हो जाता पूरा। एक आपका जो बिहार है ना लोगों के साथ सबका, यहाँ पे आप पूरा राजस्थान घूमो तो वो इतना अच्छा है ना कि भाई आपको आप उनसे कोई काम लो भले ना लो तो वो मतलब ऐसा होता है कि आप जैसे सालों से जानते हैं, है ना? वो तो जी जी, अब तो वो तो भागपुर में पर यहाँ पर अपना बन जाता है। हाँ, अपना बनना एक बड़ी चीज है क्योंकि ये संधापुर है और कहीं नहीं, आप कहीं भी घूमो, मैं भी खूब घूमा, पर आखिर जब मैं यहाँ आता हूँ जिसमें जिले में या राजस्थान में ऐसा मैं अपने घर पे आ गया। नहीं, ये बारे में पंजाब में भी बहुत है, वही ना मतलब एक अपना गेस्ट को हमारे लोग भी बहुत भाई, वही पूरे भारत में अपना पूरा हो गया, मैं वही मैंने आऊंगा पर एक अपना राजस्थान में जो हर एक अपना जैसे महसूस होता है कि मैं अपने घर पे आ गया, तो ये अपना पर अपने भारत में ही है। तो इसको अभी और क्या आपका इन फ्यूचर क्या है कि इसको कैसे और एक्सपेंड करना है, मैं इसको, इसमें चेंजेस जी जी एक्चुअली अभी अब क्या है कि मेरा तो ये के शौक है कि मैं कुछ ऐसी चीज करूं जिससे जितने भी जो आज आते हैं यहाँ पर गेस्ट उनकी यादगार करूं। अब कुछ में ऐसे गेस्ट जो आज से 11 साल पहले 12 साल पहले इतना कौन याद रखता है, तो उनको एक हर चीज याद है यहाँ की, वो एक बड़ी मतलब ब्लेसिंग है। बाकी रेस्टोरेंट में आप होटल में गए खाना खाया आपको अच्छा लगा भी नहीं, आप 7-2 साल याद रखते हैं, 11 साल 12 साल कौन याद रखता है, तो वो जब ऑफिस रिपीट आ रहे हैं मैं उनके लिए कुछ अलग सी करना चाहता हूँ। और बहुत जगह पे आप जाते हो और कभी भी आप उनके ओनर से नहीं मिलोगे जी, और यहाँ पे जब भी आओ तो आप हमेशा प्रेजेंट मैं खुद रहता हूँ क्योंकि मेरा मन तभी संतुष्ट होता है, मैं कैसे जब मेहमान आते ना मैं उनसे खुद बात करूँ ना तभी मुझे संतुष्टि मिलती है। नो डाउट मतलब यहाँ मेरे जो स्टाफ है सब तन मन से काम करते हैं, हर चीज है, पर मेरा एक मतलब पता नहीं संतोष की एकदम से मैं उनसे बात करूँगी आपको हर चीज एकदम आपका खाना है या रहन सहन है कोई तकलीफ नहीं हो। हाँ कभी कभी तकलीफ हो जाती है तो उसको जब मुझे कहते हैं तो मैं उसको सुधार करता हूँ, तो वो एक तो यहाँ हमेशा प्रेजेंट रहना पड़ता है। जी जी, तो और अगर कुछ आप अपनी तरफ से बताना चाहते हैं, जैसे आपको ये इंटीरियर का बहुत शौक है ना, तो पुरानी से पुरानी चीजें पड़ी हैं आपके पास? जी, मैं तो एक्चुअली इन चीजों से बहुत मेरा लगाव है, तभी मैं कभी कोई गांव में या कभी कोई शहर में जो भी कोई चीजें पुरानी चीज मिलती है मैं ला के यहाँ रखता हूँ, तो कभी क्योंकि ये चीजें है ना किसी लोगों ने कभी नहीं देखी, तो वो म्यूजियम नहीं देखी, वो यहाँ आके देख लेते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो वही ना मतलब एक गेस्ट के लिए भी मेरे खुद के लिए भी ये चीजें पसंद करना था, और कोई मांगते हैं तो उनको भी मैं हेल्प पूरी करता हूँ कि नहीं आपको मैं आपको मदद करता हूँ आपको घर पे जाने के लिए, तो वो एक यादगार रहती है उन चीजों में। और इस बिजनेस में मुझे लगता है आपके ना रिलेशंस बहुत अच्छे लोगों से बनते हैं ना, आपको हर स्टेट में हर जगह पे लोग जानते हैं, ये पूरे संसार जब आते हैं तो बात करने का एक आनंद आता है क्योंकि एक हर एक स्टोरी बताते हैं ना अपनी कि भाई मैं वहाँ पर आया ये चीजें, तो वही एक बड़ा अच्छा व्यवसाय है और मैं तो इसको तन मन से मतलब बताता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि और सबसे निवेदन करता हूँ कि आप आइए देश में और यहाँ का नजरिया देखिए, क्योंकि हमारे जैसे ये गाने बजाने वाले बेचारे ऊँटों वाले हैं तो ये चीजें आज अपने मेट्रो सिटी से नहीं होती और उनको भी रोजगार मिल जाए और वो एक हाँ
और जिस कला को रोजगार मिलता रहे ना वो कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरता कला। हाँ, तो मरती तब है जब आप उसमें दिलचस्पी लेना छोड़ बंद कर दोगे। तो आज यहाँ पर जैसे कुछ कठपुतली की होती है, कठपुतली आप बच्चों ने देखने भी बंद कर दी, यहाँ होती है तो राजी होते हैं। अब जैसे यहाँ म्यूजिशियन गाने बजाने वाले तो वो गाते तो लोग फिदा हो जाते हैं। मुझे हमारे कुछ गाने हैं तो यहाँ के वो है तो यहाँ के, और अब कॉपीराइट और दूसरों के ले लिए तो, बट वो खूब सारे गाने यहाँ पर बॉलीवुड के गए गए। और हर की हर एक जो गा रहा है उसकी आवाज मतलब अलग ही बात है, मन से गाते हैं, कला बहुत है। तो मुझे अभी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि पर ये जगह भी सब लोगों को दिखानी है ना, तो अभी आप वाकई इसको इन फ्यूचर और एक्सपेंड करें। जो आपने मुझे दिखाया था कि फ्यूचर में मुझे वो टेंट जो बनानी है ना, तो वो जैसे आप ही ने कहा था कि ड्रीम देखोगे तो पूरा तो हो गया। हाँ, उसके लिए सोच रखनी पड़ती है, तभी सोच रखोगे तभी चीज आप लक्ष्य को पहुंच दोगे। तब मैंने ही चालू किया था, मैंने सोच रखी थी, तो लोगों ने सोचा यार ये यहाँ ऐसे कैसे बनाओगे, तो नहीं मुझे बनाना है बस। और मुझे हाँ, मैं होटल बिजनेस काम करता था तो होटल का मुझे पूरा एक्सपीरियंस था, पर टेंट्स का उसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पर मुझे बनाना है, मेरा जुनून था और आज बन गया। तो अब धीरे धीरे मैं और उसको आगे बढ़ाना इसे बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इसको जो जो आज मेरे जो टेंट्स हैं उसको और ब्यूटीफुल बनाना चाहता हूँ और सुंदर बनाना चाहता हूँ। तो हर एक इंसान को भाई, आप जैसे हमारे यहाँ जो गेस्ट आ रहे हैं पहले रुक गए थे, वो दूसरी ओर आ रहे हैं, तीसरी ओर आ रहे हैं, तो उनके लिए वो आ रहे क्यों, उनके जगह के लिए आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ मैं उनको और अच्छी चीज दूँ, तो ये मेरी मनोकामना। तो मैंने भी जब ये इंटरव्यू सोची थी ना, मतलब कि मुझे इतनी स्टोरी यहाँ पे करनी है, तो मैंने जब भी किसी होटल के बारे में या जगह के बारे में सोचा तो पहले मेरे दिमाग में ये आया कि बहुत से लोग सोचने लग जाते हैं ये पेड प्रमोशन होंगे, पर मुझे ऐसा था कि कोई भी आदमी जब घूमने जाता है ना तो पहले बहुत सी चीजें सोचता है, पहले वो पैसे का सोचता है ना, कि अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ, मतलब जो मीडियोकर फैमिलीज होती हैं उनकी मतलब एक सैलरी भी वेस्ट हो जाए उनके लिए पूरा जो साल खराब हो जाता है। तो दूसरी मुझे थी कि कोई भी जब सोचता है घूमने के लिए कि उसको ऐसे होता है कि भाई नई स्टेट है मुझे, मैं किसी को जानता नहीं है ना, तो मैं कहाँ पे जाऊँ, मेरा स्टे कैसा। और आजकल गूगल पे इतनी चीजें पड़ी है कि आप दूर से देखकर बुकिंग कर लेते हैं, फिर बाद में कुछ और होता है ना। तो तीसरी जो मेरे मन में सबसे बड़ी बात थी कि बहुत से लोग हैं, जैसे हम लोग अभी घर भी होटल जैसे बनाने लगे है ना, तो वो वहाँ पे ऑलमोस्ट रहकर आप इतना चुके होते हैं कि किसी और होटल में जाते हैं तो आपको सेम फील आता है। जी, जी, जी। तो मेरा जब मैं पहुंची थी ना यहाँ, तो उस दिन मेरा वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। तो मुझे था कि कोई और आए तो उसको भी ऐसी प्लेस मिले, वो सोचे जी, जी। कि अगर मैंने अपनी एक सैलरी लगाई है जी। तो मैंने उसका लुत्फ लिया। और जो एक स्टार्स वाली बात आपने की, तारे दिखते हैं ना, दो तीन महीने की बात है, तो मैं किसी बच्चे से बात कर रही थी जी। तो वो बहुत क्रिएटिव है, मैंने उसे पूछा आजकल तुम कुछ लिख नहीं रहे, तो उसने मुझे जो बात बताई ना वो मेरे मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं उसको जवाब क्या दूं। उसने बोला मैंने 4 महीने से तारे नहीं देखे जी। तो मैंने कहा क्यों नहीं देखे, तो मैं फ्लैट में रहता है ना, तो वो जो सब नेचर है यहाँ पे दिखते, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं आपसे बात की। प्रकृति से जुड़े हुए हैं और एक जगह में जब तक दान ना हो ना, कुछ भी हो, आप पेड़ के नीचे बैठे हो, कहीं पर बैठे हो, तब तक जगह मजा नहीं आता। और उस दान के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आपका पूरा एफोर्ट, आपकी पूरी सोल, आपको पूरी मेहनत लगानी पड़ती है उस जगह में, तभी जगह में वो पॉजिटिव वाइब्स पैदा होती है। जब तक पॉजिटिव वाइब्स नहीं, तब तक आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, खाना अच्छा नहीं लगेगा और जगह आनंद नहीं आएगा। वो चीजें सब 8 तारीख में जैसे रुकते हैं यहाँ पर 2 नाइट 3 नाइट, तो शुरू में आज सोचते हैं बोलते हैं यहाँ आके क्या करेंगे, पर 2 नाइट 3 नाइट ऐसे निकल जाते मालूम नहीं पड़ता है। जो रात का भी वो तो सब कुछ, सुबह यहाँ 150-200 मोर्स हैं, तो उनको आज हम लोग फीडिंग कर रहे हैं 15 सालों से। अच्छा। तो वो जो वो मोर आते हैं तो एम्बियंस मॉर्निंग का इतना अच्छा हो जाता है, सुंदर हो जाता है, लोगों को मतलब अपने आस्थाने करवाते हैं। तो बच्चों ने कभी जो चिड़ियाघरों में वैसे ही उन्होंने देखा, वैसे नेचर को भी देखा ही नहीं है। सही। तो वो एक अच्छा है, मतलब वो सौंदर्यकरण जो सुबह का होता है ना, और वही सनराइज है, ये सनसेट, वही और तारे, तो बच्चों ने यहाँ आते वैसे वही बोलते हैं।
हमने इतने सारे कभी जिंदगी भी नहीं देखी कभी। बच्चों क्या बड़े 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 कभी बोलते हैं, क्योंकि आज वही ना बड़े बड़े शहरों में ये जो ध्वनि प्रदूषण लाइट प्रदूषण पूरा इतना हो गया कि आप नेत्र से पूरे दूर ही हो गए। तो मुझे तो लगा ही नहीं कि इतना टाइम हो गया बात जब हम लोग बैठने लगे थे तो आपने कहा था कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा था कि पता ही नहीं चलता कब बात है ना। वही ना मतलब इसी वो बात आ गई, पॉजिटिव वाइब्स जो ना तो मालूम नहीं पड़ता क्या कैसे बन गया। सही बात है, उसका कोई अंत हो गया नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगले एपिसोड में पूरी आपकी जगह है वो दिखाते है ना। मस्त एक गड़ी खम्बा दोबारा बंदा साल भर घूमने की हिम्मत नहीं करता। बहुत सारे लोग इतने आते हैं, जिवें मैं एक गल इन्हां तों पुछनी भुल गई, इन्होंने कहा कि कुछ लोग ट्रैवल करते हैं कुछ लोग टूरिस्ट होंगे है ना। ट्रैवल करन दा मतलब यही है कि तुसीं डिफरेंट एक्सपीरियंस करते हो, तो जिहड़े टूरिस्ट होंगे ने उन्होंने यही होंगे कि साल के विच असी 10-15 दिन किसी जगह पर जाना, तो उत्थे उही चीक चाड़ा पूरा इंजॉय करके आना है ना। तो हर एक का वक्खरा ढंग है, तुसीं चाहे ट्रैवलर हो चाहे तुसीं टूरिस्ट हो, पर जे सच्ची तुसी किसे एहो जे दिनां दा तजर्बा करना चाहुंदे हो, एहो जे सफर दा जां एहो जे रहण सहण दा जां इवें दे तरीके दा घूमना, तां इस जगह ते तुसी जरूर आयो, बहुत शानदार एक्सपीरियंस होगा तुहाडा। ते फिर अगले एपिसोड च आपां तुहानूं दिखाउने आ इह जगह जिहड़ी कि जैसलमेर तों मैनूं लगदा कि 17-18 किलोमीटर दूर होगी, ते तुसी जरूर आयो। सम जाण तों पहलां इह रस्ते च आउंदी आ दमोदरा जिहड़ी थां दा नां है। ते अगली एपिसोड च तुसी देखियो जगह। सत श्री अकाल।